मैंने तूफान से लड़के लौ जलाई है, तब जाके रब ने ये नियामत सजाई है। मेरे अंधेरे तो रात से भी काले थे, ख्वाब की खातिर मैंने नींद को आग लगाई है। YouTube चैनल में गाइस आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे और गाइस इंजॉय कर रहे होंगे इन दिनों में। तो गाइस मैं बता दूं कि मेरी ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे हैं, काफ़ी मेरी वीडियोस कम आती है क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 strikes भी बच चुकी है और उसकी वजह से मैं कुछ कॉन्टेंट की जो डर के ही चढ़ा रहा हूँ, इतना डर लग गया कि 2 strike के चैनल पर आ गई, अगर एक और आ जाएगी तो चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो उसी के कारण मैं कंटेंट कोशिश कर रहा हूँ कि वही चढ़ाऊँ जो ओरिजिनल हो और अच्छा भी हो, जो आपको पसंद आए। तो इस और काफ़ी दिन से मैं बीमार भी था और अभी मेरे फाइनल पेपर्स आने वाले हैं लास्ट सेम के, तो पेपर तो चलते रहेंगे गाइस। तो लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लिप बना ही दूँ। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने के लिए आया था मैं कि इस वीडियो में कि मैं बीमार था और वीडियो नहीं बना सका या कुछ ऐसा इशू, मैं आपको अपना इशू नहीं बताना चाहता। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस आजकल जो गांव में फार्मिंग होती है ना, वो एक सिंपल तरीके से होती है जिससे कि फार्मर को कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो होता नहीं है, तो लोगों ने फार्मिंग करना छोड़ दिया है। तो एक अच्छा तरीका है जिसमें मुनाफा भी ठीक हो। तो गाइस यहाँ देख सकते हो पीछे इसमें मिक्स क्रॉपिंग है, फ्लावर्स भी लगाएं और क्रॉप्स भी लगाइए। तो गाइस मिक्स क्रॉपिंग एक अच्छा बेनिफिट देता है और कैश क्रॉपिंग करना भी एक बेनिफिशियल आइडिया है आज के ज़माने में, क्योंकि फार्मिंग करना काफ़ी लोगों ने छोड़ दी है और अपनी जो लैंड है वो रेंट पे देना शुरू कर दिए, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है, हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छा आइडिया है देख सकते हो और काफ़ी अच्छा भी है, स्कीम अच्छी और काफ़ी फ़ायदा भी है इसमें। तो आपको मैं थोड़ा पास में जाके दिखाता हूँ कि किस तरह फार्मिंग। यहाँ पे अच्छी तरीके की घास ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो घास को ख़त्म करने वाली जो दवाई है वो यहाँ नहीं डाली, इसी की वजह से यहाँ पे घास की ज़्यादा ग्रोथ है और फूलों की और मक्की की ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बट आपको घास की दवाई सबसे पहले डालनी है जिससे कि घास कम उगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो सके प्लांट की। किस तरह की यहाँ की ग्रोथ हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं ये है फ्लावर्स और यहाँ पे ये फ्लावर्स और बीच में देख सकती हूँ मिक्स मक्की और फ्लावर। तो कुछ इनका डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस देखें तो 10-15 centimeters का डिफरेंस है और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। अभी देखते हो कितनी अच्छी मक्कियाँ कैसी उगी हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है मक्की की मिक्स क्रॉपिंग करने से। तो एक अच्छा बेनिफिट है और आप भी आपने आजमाएं अपने एरिया में और मिक्स क्रॉपिंग को अप्लाई करें और देखिए काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको होगा। तो ये छोटी सी एडवाइस थी मेरे से, आपको भी इसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो जल्द मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।